नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सौरभ नाथी शर्मा जी हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं द खबरदार न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। कल हमने होली का पर्व मनाया और सबसे पहले हम होली के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। और आपने भी काफ़ी होली खेली हुई है, आपके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो पा रहा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के तमाम इस चैनल को देखने वाले लोगों को और पूरे प्रदेश की जनसंख्या को, आबादी को, मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो होली का त्यौहार तो बीता, लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये होली का पर्व कई सारी असमंजस की स्थितियां भी लेकर के आया और कई प्रकार की जो तो समस्याओं का भी जो तो सूत्रपात हुआ इस होली के पर्व पर। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये कोई पहला काम नहीं करा है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हमारा ये स्वभाग है कि आज मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैसा शीर्ष नेतृत्व तो हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्राप्त है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से उनके भारतीय जनता पार्टी के जो दूषित मंसूबे हैं उससे कैसे दो दो हाथ करने के लिए माननीय कमलनाथ जी तैनात हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये संकट समाप्त होएगा। जिस तरीके से धोखा करा गया है लोगों, आम जनता के साथ जिस तरीके का छलावा किया गया है, इस प्रदेश की जनता उसको भली भांति देख रही है। और जब भी कभी अगर ऐसा समय आएगा तो प्रदेश की जो जनता है वो उसमें जवाब देने का काम करेगी। और जैसा कि बैंगलोर के होटलों में ठहराया गया है विधायकों को, कांग्रेस के कुछ विधायकों को वहाँ ठहराया गया है, साथ ही साथ सिंधिया जी ने भी आज बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो अब भविष्य में कांग्रेस की सरकार को लेकर के या जब बहुमत साबित करने का सदन के पटल पर समय आएगा तो उस समय पर आप क्या सोचते हैं कि कैसी स्थितियां निर्मित होने वाली हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी चुनौती सिंधिया जी के लिए। कांग्रेस पार्टी तो जब अंग्रेजों से लड़ने वाला एक संगठन है तो ये सब जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले दल हैं इनसे लड़ते हुए हम लोगों की बहुत पुरानी आदत हो गई है। सिंधिया जी के लिए सोच का विषय है कि वो जिस विपरीत विचारधारा के संगठन में गए हैं वहाँ पर क्या उनको वो मान सम्मान मिलेगा? जिस तरीके से सिंधिया जी के लोगों को कांग्रेस में टिकटें दी जाती थी, संगठन में स्थान दिया जाता था, कांग्रेस में रहते थे तो श्रीमंत और महाराजा कहलाए जाते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी में उनकी वो स्थिति रही कि वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, क्या उनसे आप उम्मीद कर सकते हो क्योंकि वो सिंधिया जी को श्रीमंत या महाराज बोलेंगे? ये तमाम चीज़ें हैं, वो एक राजनीतिक घटनाक्रम का शिकार हुए हैं, अपने स्वार्थ और लालच के लिए उनने ये निर्णय लिया है, तो निसंदेह ये उनके लिए सोचने की बात है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से उसका स्वभाव रहा है कि हर चुनौतियों को स्वीकारा है और आज बड़ी ही मजबूती से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की समूची कांग्रेस उनके साथ खड़ी और इस चुनौती से लड़ने के लिए तैनात है। और जो विधायक बेंगलोर में हैं या फिर जो विधायक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, जैसे हम बिसाहू लाल जी की बात कर सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर शिवराज सिंह के सामने सदस्यता ग्रहण की है और कांग्रेस शीर्षस्थ कमेटी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी, उनके साथ ही साथ और कई सारे लोग की उपेक्षा हो रही थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कई जनप्रतिनिधि बरगलाए और बहकाए गए हैं। समय आने पे आपको देखेगा कि कौन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है और कौन कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहा है। वहीं मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जितने भी विधायक हैं ये कांग्रेस के निशान पर जीते थे। 15 साल का जो कुशासन था उसके खिलाफ उनकी क्षेत्र की जनता ने मत दिया था, जिसके चलते हुए वो जनप्रतिनिधि के तौर पर वे चुने गए थे। और अगर उस जनता के मत का अगर आप अपमान करेंगे तो निसंदेह आपको फिर से चुनाव में तो जाना ही पड़ेगा। आपके क्षेत्रीय जनता उसको भी सबक सिखाने का काम करेगी। आजकल के युग में मतदाता बड़ा मैच्योर हो गया है, बड़ा गंभीर हो गया है। उसने आपको इसलिए वोट दिया था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तिरस्त था, लेकिन मौका परस्ती के चलते अगर आप पुनः अगर उनके जनादेश के विपरीत अगर अपना आचरण रखते हैं तो निसंदेह कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सार्वजनिक जीवन में जीने वाला आदमी हो, उसको जाना पड़ता है पब्लिक में। और पब्लिक का जो मैंडेट होता है वो सर्वमान्य होता है। जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, 2020 में और कहीं गुना बढ़ के सामने है और प्रदेश की जनता पूरा धोखा देख रहा है, पूरी बेईमानी देख रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से 1.5 साल में कांग्रेस ने सर्वहारा वर्ग की नीतियों को लागू करते हुए सबके कल्याण के कार्यक्रम चलाए हैं उसको भी देख रहे हैं जी। तो मतलब आप एक तरह से आश्वस्त हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और उस पर कांग्रेस एक बार पुनः जो तो
बेहतर तरीके से, पहले से भी बेहतर परिणाम लेकर के आने वाली है। देखिए, मैं मध्यवर्ती चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि पब्लिक में इस पूरे घटनाक्रम का क्या मैसेज जा रहा है। चुनाव तो चाहे मध्यवर्ती हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, चुनाव तो हर 5 साल में होना हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरीके का आचरण है, ये आचरण इस प्रदेश की जनता देख रही है। इसको कहीं ना कहीं जब भी कोई चुनाव होगा, हमारे यहाँ कोई तानाशाही व्यवस्था नहीं है। भले ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तानाशाही परंपराओं को बढ़ाया जाता है अनेकों प्रदेश में, मगर जो जनता है वो तानाशाही प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं करती है। तो जब भी हम लोकतंत्र के महासमर में उतरेंगे तो प्रदेश की जनता इस मुद्दे को भी देख रही है, इस मुद्दे के आधार पर रिएक्ट करने का काम करेगी। जहां तक मध्यवर्ती चुनाव की बात है, आम चुनाव की बात है, सरकार अल्पमत में, ये सब अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। आपने देखा कि किस तरीके से हमारी पूरा कांग्रेस का संगठन, पूरे जनप्रतिनिधि एकजुट हैं। जो बेंगलोर में भी जो विधायक गए हुए हैं, उनके समय समय पर बयान आ रहे हैं, समय समय पर उनसे बात हो रही है। उनका ये कहना है कि हमको तो सिंधिया जी को राज्यसभा बनाने के लिए एकजुट किया गया था, उनकी पूरी जो राजनीतिक कैरियर है वो समाप्त होने की कगार पर है। अगर वे 19-20 विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार क्या वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बर्दाश्त कर पाएंगे? दशकों आपने उनसे मुकाबला करा है, दशकों उनकी जो साम्प्रदायिक सोच है उसके खिलाफ आपने लड़ने का काम करा है। अगर आपको लगता है आपकी क्षेत्र की जनता स्वीकार सकती है आपको, तो आप बहुत गलत फहमी में। और कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं, बेंगलोर में जो 19 लोग हैं, उनमें से 7 लोगों ने वीडियो मैसेजेस जारी करके कहा है कि हम किसी भी प्रकार से दुविधा में नहीं और हम बीजेपी में सिंधिया जी के साथ जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के संपर्क में है, ये बात को समझ में नहीं आ रही। देखिए, उसमें से कई वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो कई पुराने हैं। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता माननीय नरेंद्र सलूजा जी ने भी उसकी जानकारी दी है। उसमें कहीं पीछे माधवराव सिंधिया जी की फ़ोटो है, कहीं मध्य प्रदेश का, वहाँ पर बेंगलोर में जहाँ वहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ पर माधवराव सिंधिया जी का चित्र पहुँचने के बाद असंभव है। तो साफ तौर पर पूरे घटनाक्रम को भारतीय जनता पार्टी संचालित करने का काम कर रही है, और इक्का दुक्का अगर जाना भी चाहते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में उनके अंदर असंतोष है कि हमारे साथ धोखा किया गया, हमको बरगला के यहाँ पर लाया गया। ये तमाम बातें निकल के आ रही, जैसे जैसे दिन बीतेंगे सब चीज़ों का खुलासा होता जाएगा। और जैसे ही मध्य प्रदेश से जो सिंधिया जी के बीजेपी में जाने का सवाल उठा और वो जाकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी जी का पहला ट्वीट आता है कि अंग्रेजों के समय में भी इन्होंने एक तरीके से धोखा किया था, एक बार फिर से धोखा किया जा रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं हर तरफ से देखिए उठ रही है, और हर तरफ से उठती है कि जब तक आप विरोधी होते हो तब तक जो है तो आपका विरोध किया जाता है, आपको जो है तो पानी पी पी करके कोसा जाता है, और जैसे ही आप समर्थित हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो सम्मान ही हो जाता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, माननीय जीतू पटवारी जी ने जो ट्वीट करा है तो उन्हें कुछ गलत नहीं करा, उन्हें इतिहास पे प्रकाश डालने का काम करा है। जब सिंधिया जी हमारे संगठन में थे तब ये बात नहीं उठती, अब उठती है। उसका एक कारण ये भी है कि जब वो हमारे बीच थे तो हो सकता है हम लोगों को लगा कि जिस तरीके का उनका इतिहास रहा है, उनके परिवार का, हो सकता है उनके में सुधार आया हो, मगर जो उसमें सुधार नहीं आया तो साफ तौर पर वो बातें। और अगर माननीय जीतू पटवारी जी ट्वीट नहीं भी करते तो इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता ये जानती है कि सिंधिया परिवार का अंग्रेजों के साथ क्या संबंध, रानी लक्ष्मीबाई की जो शहादत हुई थी उसमें उनका क्या योगदान था, और राष्ट्र निर्माण में उनके क्या योगदान रहे, अंग्रेजों के से उनके क्या संबंध है। ये समूची बातें बिल्कुल साफ तौर पे इस देश की जनता के सामने है। आप थोड़ा हटके बात करना चाहता हूँ, जिस तरीके से राजघराने में वहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी तलवारें लगी हुई हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज तक का एक भी युद्ध का इतिहास बता दीजिए कि इनके खानदान में लड़ा गया हो। साफ तौर पर जिस तरीके का विश्वासघात उस समय किया गया था जब राजमाता सिंधिया के द्वारा किया गया था, तीसरा जो विश्वासघात है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। तो साफ तौर पे जो धोखा देने की प्रवृत्ति उनके में है उसमें कहीं कोई, मैं समझता हूँ माननीय जीतू पटवारी जी ने कहीं कुछ गलत नहीं ट्वीट करा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि लगातार 18 महीने से मध्य प्रदेश पर सरकार है लगभग कांग्रेस की, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष को लगातार कई बार जो तो चर्चाएं उठी कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, लेकिन पीसीसी चुनाव हुए नहीं। तो इस तरह से एक बात तो ये भी सामने आती है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी के नाम पर, सिंधिया जी एक शीर्ष नेतृत्व थे मध्य प्रदेश के, उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया और चुनाव मध्य प्रदेश में जीता भी गया, लेकिन लगातार 18 महीनों से जो उपेक्षा हो रही है उस उपेक्षा का शिकार भी तो सिंधिया जी हो रहे हैं। इस बारे में भी तो कुछ बातें कही जा सकती हैं, और विरोधियों के द्वारा लगातार यही बात उठाई जा रही है कि जो उपेक्षा है उपेक्षा की वजह से वो बीजेपी में जा रहे हैं।
इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ उपेक्षा की कहीं कोई बात नहीं, 18 साल के कांग्रेसी कांग्रेस संगठन में उनके जीवन को अगर आप देखें, तीन तीन बार वो लोकसभा सदस्य बने, कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, संगठन में उनके लोगों को स्थान मिला, मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए, ये तमाम बातें थीं जिसको कांग्रेस पार्टी स्वीकारती थी और उनको अपना नेता मानती थी। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, प्रदेश अध्यक्ष की बात चलाना उनका सिर्फ एक पैतरा था, क्योंकि वे स्वार्थ में सिद्ध हो चुके थे पहले। जब प्रदेश अध्यक्ष की बात होती थी, जब उनको बनाने पर सहमति बन जाती थी, तो वो बोलते थे कि प्रदेश अध्यक्ष मेरे को नहीं बनना है, मेरे कोई व्यक्ति को बनाया जाए। समय समय पर मंत्रिमंडल में उनके स्वार्थ आते थे कि इसका मंत्री बनाया जाए, वो बनाया जाए। राज्यसभा के लिए उनको अधिकृत तौर पर अनाउंस होने वाला था, ये तमाम बातें उनके पक्ष में चल रही थी। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का शिकार हो गए, भारतीय जनता पार्टी का जो हथकंडा है उसके शिकार हो गए, और अपने स्वार्थ के चलते हुए और उनकी जो पुरानी तासीर रही है उसको साधते हुए ये निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी में कहीं किसी की भी उपेक्षा नहीं होती, सबको अपने यथा उचित स्थान पर पार्टी सम्मानित करती है, समय समय पर उनको उपकृत करती है, और अगर आप किसी स्वार्थ के चलते ये करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का, मैं समझता हूँ, उसमें कहीं कोई भी दोष नहीं है जी। और जैसे सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद लगातार उनके समर्थकों के इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं, और शहडोल से पूर्व विधायक और इस बार की सांसद जो लोकसभा प्रत्याशी थी, तो उनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ बिंध के एक कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के जो पुत्र हैं अजय सिंह राहुल, उनके द्वारा भी कई बार जो तो ऐसी बातें उठाई गई हैं कि उपेक्षा का शिकार हो रहा है व्यक्ति, तो इस बारे में क्या कह सकते हैं? भविष्य में तो और विकट स्थितियों को देखना पड़ सकता है कांग्रेस कमेटी को। देखिए, कोई उपेक्षा का शिकार नहीं हो रहा। माननीय अजय सिंह जी ने जो कहा है वो एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, और हमारे पार्टी में स्वतंत्र रूप से सबको अपनी बात करने का अधिकार होता है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी संगठन नहीं है कि जहाँ पर आप जी भाई साहब कह के आपको चुप बैठा दिया जाता है। यहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता खुल के मुखर तौर पर अपनी बात कहने का काम करता है। तो मैं समझता हूँ ये सब बातें कांग्रेस में चलती रहती है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सिंधिया जी के समर्थन पूरे मध्य प्रदेश में इस्तीफे हो रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में घूमिए, कई जो उनके लोग थे वे कांग्रेस की पार्टी के साथ हैं, माननीय कमलनाथ जी के साथ हैं, और जिनके इस्तीफे भी हो रहे हैं घंटे दो घंटे में, दिन डेढ़ दिन में वो वापस हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के जो सेवा दल के अध्यक्ष हैं माननीय सत्येंद्र यादव जी, उनने भी कल इस्तीफा दिया था, लेकिन आज उनने अपने इस्तीफे को वापस ले लिया। कांग्रेस की विचारधारा के साथ वे हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसी तमाम चीज़ें कभी कभी आवेश में हो जाता है, कभी कभी बहकावे में हो जाता है, लेकिन जिस तरीके का काम सिंधिया जी ने करा है, मैं समझता हूँ जो समर्पित कांग्रेसी है उसको कहीं भी नहीं स्वीकार सकता। और इस्तीफे की बात जब चली है, तो इस्तीफे के बारे में एक बात और सामने आ रही है कि जो 19 विधायकों के द्वारा इस्तीफे सौंपे गए हैं, तो अभी वो स्वीकार नहीं किए गए हैं, क्योंकि कुछ नियमों के अंतर्गत ऐसा है शायद कि जब तक फिजिकली कोई भी व्यक्ति जो है उपस्थित नहीं होता है, तब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं माना जा सकता है। तो इस बारे में ये क्यों रोका गया है, या फिर जो है तो लोग प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या उसके पीछे कुछ रहस्यमयी घटनाक्रम अभी होना छुपा हुआ है? मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल अभी आना बाकी है, कुछ इस बारे में? यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उनके इस्तीफों में सच्चाई होती, विधानसभा एक व्यवस्था से चलती है, आपको अगर इस्तीफा देना उसकी एक प्रक्रिया होती है। उनके इस्तीफे लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, नरोत्तम मिश्रा जाते हैं, गोपाल भार्गव जाते हैं, आपके धीरेन्द्र आपके भदौरिया जी जाते हैं, तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे षड्यंत्र को चलाने का काम कर रही है। वे विधायक हमारे साथ हैं, कांग्रेस के सिम्बॉल पर जीते हैं, पंजे के निशान पर जीते हैं, उनके क्षेत्र की जनता ने उनको कांग्रेस के तौर पे मत देने का काम करा है, तो साफ तौर पे उनको इस बात का भी इल्म है कि जब हम अपनी पब्लिक के बीच जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, तो वो तो एक बहकावे का शिकार हो गए हैं, लेकिन उसमें कहीं कोई भी सत्यता नहीं है जी। और बीजेपी भी लगातार अपने विधायकों को संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास लगातार कर रही है, जैसे कल आधी रात के बाद जो तो उन्हें भोपाल से शिफ्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं खलबली उस खेमे में भी मची हुई है। तो क्या कांग्रेस कमेटी के लोगों के द्वारा, कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के द्वारा बीजेपी विधायकों से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है, या फिर कुछ लोग बीजेपी विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के समर्थन में हैं, कुछ इस बारे में कुछ बताएं? देखिए, बीजेपी में खलबली इसलिए, वो जैसा आपने सुना है जो चोर होता है उसके मन में एक दहशत रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी जो ये खेल करती है तो उसके मन में वो दहशत है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी श्योर होती, अपने मंसूबे को कामयाब करने जा रही होती, तो कहीं कोई ऐसा कदम उनको उठाने की आवश्यकता नहीं थी। जहाँ कहीं भी उनके विधायक है वे वहीं रह आते, लेकिन जिस आनन फानन में कल उनको शिफ्ट किया गया, साफ तौर पर उनके मन में एक भय, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लोहा ले रही है उससे
वह घबराई हुई है, मगर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता को हत्याने का काम नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर अगर वार होगा तो मजबूती से डट के उसका सामना भी किया जाएगा। और तत्काल प्रभाव में संजय पाठक के कई संस्थानों में जो तो छापेमारी की घटना, उन संस्थानों को सील किया जाना, और इसके साथ ही साथ अचानक से कह सकते हैं कि पिछले दो चार दिन के भीतर हनी ट्रैप मामला, व्यापम घोटाला और ऐसे जो घोटाले हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो उनको लेकर के काफ़ी तीव्र कार्रवाई हो रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये एक दबाव की राजनीति स्थापित करने का प्रयास कहा जा सकता है। आप बता दीजिए, ये सब घोटाले असत्य थे क्या? ये सब घोटालों पे कार्रवाई करना बुरा काम है क्या? माफियों पर कार्रवाई करना बुरा काम है क्या? मिलावटखोरों पे अंकुश लगाना बुरा काम है क्या? अगर इसमें कहीं द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई की जाती तो हम तो डेढ़ साल से इससे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और आज इस सरकार पर अगर वार भी हुआ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ माफिया का है, क्योंकि जिस तरीके से माफिया ने इस पूरे प्रदेश में अपने हाथ पैर फैलाए थे, और जो गरीब व्यक्ति था, मध्यम परिवार का व्यक्ति था, वो शोषण का शिकार होता था, और जो माफिया थे वो फलीभूत होते थे, बहुत अच्छे से उनका काम चलता था। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ जी ने उस दर्द को समझा, उस पर कार्रवाई करने का काम करा, उसका परिणाम है कि सब माफिया एकजुट होकर इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। किसी पे भी दोषपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके का जो जिला प्रशासन जो हम लोगों को जो सरकार को खबर देता था, जिस तरीके से अन्याय होता था, उस पर कार्रवाई समय समय पर कमलनाथ जी की सरकार करती आ रही है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसी कार्रवाई उसी वक्त पर क्यों, जब संजय पाठक के नेतृत्व में विधायकों को भोपाल से शिफ्ट किया जाता है दिल्ली, उसके बाद जो तो लगातार जो तो एक तरफा कार्रवाई होना शुरू हो जाती है? नहीं, वो कहीं कहीं समझ का फेर हो सकता है। उसी समय दसों जगह अलग अलग जगह भी कार्रवाई हुई, इंदौर में हुई, ग्वालियर में हुई, भोपाल, वो तो होती रहती है, क्योंकि संजय पाठक एक बड़ा नाम है इस षड्यंत्र में, उनकी एक बहुत बड़ी स्थान रहा है, इसके लिए ये मीडिया मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो भी बातें, अगर उनकी खदानें सही तौर पर संचालित हो रही हैं तो उसमें कौन सी ताकत उनको रोक सकती है? सत्य को कहीं कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सब चीज़ें उनकी रेगुलाइज होती तो मैं तो समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत उसमें अड़ंगा नहीं लगा सकती। तो कहीं ना कहीं कोई गलती होगी, कहीं ना कहीं उसमें बेईमानी होगी, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई। और संजय पाठक जी हो, चाहे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, कमलनाथ जी एक संकल्प के साथ इस प्रदेश में अपनी सरकार चला रहे हैं कि सर्वहारा वर्ग का विकास हो, कोई भी शोषण का शिकार ना हो, माफिया सर ना उठा पाए, मिलावटखोरों के जो मंसूबे हैं वो ध्वस्त हो, ये तमाम बातों को वो अपने कार्यक्रमों में शामिल करते हैं और मजबूती के साथ शामिल करते हैं, फिर चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम कह सकते हैं कि एक संयोग कहा जा सकता है, और इसके पश्चात कमलनाथ जी की सरकार में आगे माफियाओं पर और कड़ी कार्रवाई होने की गुंजाइश है? नहीं, निसंदेह होगी। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी अपने इरादों से पीछे नहीं हटते, चाहे परिस्थितियां कोई हो। इतिहास गवाह है कि उनने अनेकों मामले में इस तरीके से जो उनने ठाना है सुधार की दिशा में, उसको उनने हर संभव प्रयास करते हुए उसको अमल में लाने का काम करा है। तो चाहे माफिया की बात हो, मिलावटखोरी की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे हमारे वचन पत्र की बात हो, ये पूर्णता लागू करे जाएंगे और डट के करे जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये पहला घटनाक्रम नहीं है किसी राज्य में जब ऐसी सरकारें निर्मित करने का प्रयास जारी है लगातार, और दोनों पक्षों से काफ़ी असमंजस की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। ये शुरुआत हुई थी गोवा और मणिपुर से, गोवा मणिपुर होते हुए फिर कई सारे प्रदेशों में ऐसी स्थितियां आई, और महाराष्ट्र की जो स्थिति वो वास्तव में लोकतंत्र की दृष्टि से एक अनावश्यक तरीके से होने वाली घटना कही जा सकती है। सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया जाना, और उसके बाद फिर जो तो लगातार परिवर्तन होने और फिर से कांग्रेस के संगठन के साथ सरकार बनाई जाना, तो ये लगातार गतिविधियाँ हो रही हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो लगातार एक आरोप लगाया जाता रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग तो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, चाहे गोवा की बात हो, मणिपुर की बात हो, कर्नाटक की बात हो, जहाँ कहीं भी उनको ऐसा मौका मिलता है वे अपने पूरे संगठन के साथ उस काम में लग जाती है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम अगर कोई संगठन कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साफ तौर पर कहना यह है कि मध्य प्रदेश में या देश में जहाँ कहीं भी अगर आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है तो आप उसको सहज क्यों नहीं स्वीकारते? कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में भी काम करा है, विपक्ष में भी काम करा है, और जहाँ कहीं पर भी उसको विपक्ष में बैठने का अगर जनादेश मिलता है उसको सहज
स्वीकारती है। महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि किस तरीके से बहुत समय के मंथन के बाद, बहुत सी प्रैक्टिस के बाद कांग्रेस पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ललावित नहीं हो गई थी कि हमको किसी भी तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनानी है। ये दर्शाता है कि हम किस आचरण के दल हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव है वो दर्शाता है कि वह किस आचरण का दल है। कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, सहज रहती है, उस तौर पर अपना आचरण करती है, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से लोकतंत्र को नष्ट करने का जो उनका मंसूबा है उस पर कतई ना विश्वास करती, ना उस पर कभी चलने की कोशिश करती है। और लगातार जो तो अपनी प्रक्रियाशील है, अपनी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सिंधिया जी ने कहा कि अभी जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उन्होंने मध्य प्रदेश को एक तरीके से ट्रांसफर का जो तो उद्योग बता डाला है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पूर्व विचारधारा से पूरी तरीके से हट गई है, और इसीलिए जो तो उन्होंने बीजेपी का दामन साधा है, और अमित शाह और जेपी नड्डा जी को उन्होंने इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। तो उनके बयानों को लेकर के उनकी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम आपका एक संक्षिप्त विचार जानना चाहें। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चल रहा था तो तकरीबन 7 से 10 मंत्री तो माननीय सिंधिया जी के कहने पर बने गए थे, तो क्या वो ट्रांसफर उद्योग में वो मंत्री भी शामिल थे? अगर ट्रांसफर उद्योग से कोई पैसे की उगाही हो रही थी तो क्या वो पैसा सिंधिया जी तक भी पहुंच रहा था? जब आप यहाँ पर थे तो सब अच्छा था, आप पैरवी करा रहे थे हमारे मंत्री बनाए जाएं, हमको PCC बनाया जाए, और जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी में गए तो आपको ट्रांसफर उद्योग दिखने लगा। भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलेंगे तब जाके वहाँ स्थान प्राप्त कर पाएंगे। और मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से स्वार्थ का उनका स्वभाव रहा है, हम लोग देरी हो गई उसको भांपने में, तो जब भारतीय जनता पार्टी की टेबल पर बैठेंगे, उनके नेताओं के बीच बैठेंगे, तो उनकी बोली बोलना ही पड़ेगा। और अगर ट्रांसफर उद्योग हुआ है तो माननीय कमलनाथ जी खुद जांच करा देंगे, और अगर आपके मंत्री उसमें शामिल होंगे वो भी सार्वजनिक तौर पे कर देंगे। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी में स्थान बनाना है तो वहाँ पर उनकी लालुपता करनी पड़ेगी, उनकी चाटुकारता करनी पड़ेगी, जैसा बीजेपी का स्वभाव है। यहाँ पर आप महाराज थे, वहाँ पर आप सैनिक के भी तौर पर नहीं हैं, तो आपको जैसा आचरण वहाँ के हिसाब से लगता है वैसा सिंधिया जी को करना पड़ेगा, और कर रहे हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप लगातार लगते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के जो तो असफल हो जाती है? नहीं, असफल नहीं हो जाती। कांग्रेस पार्टी जैसा कि मैंने बताया हर परिस्थितियों में लोकतंत्र को सामने रखते हुए अपना आचरण करती है। हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात है, कांग्रेस पार्टी कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा, हमारे विधायकों पर खरीद फरोख्त की जाएगी, उनको अगर षड्यंत्र में शामिल किया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी उसमें लड़ने का काम करेगी। आप एक बार का वाक्य बता दीजिए कि कभी कांग्रेस पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हो, लेकिन हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अनेकों अलग अलग राज्यों में करती रहती है, और कांग्रेस पार्टी उनसे मुकाबला करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, कांग्रेस का स्वभाव नहीं है। और जल्द ही ऐसी खबरें मिल रही है कि राजस्थान में भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। सचिन पायलट जी को साधने की कोशिश बीजेपी आला कमान लगातार कर रहा है, तो उस बारे में देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर ऐसी स्थिति, क्योंकि वहाँ पर कोई सिंधिया नहीं है जिनने 1857 में ऐसी बेईमानी की हो या इस तरीके का आचरण रहा हो। वहाँ पर भी हर राजनीतिक दल में मतभेद होते हैं, चर्चाएं होती हैं, नाराजगी होती है, और समय समय पर सही कर दी जाती है। सचिन पायलट जी कांग्रेस के एक युवा नेता हैं, हम लोगों के आइकॉन हैं, और बहुत अच्छी सोच के वह नेता हैं, और कहीं कोई वहाँ पर तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बार बार, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान क्या, उनको तो जहाँ पर भी अगर महसूस होता है वहाँ पर वे अपने लाव लश्कर के साथ इस मंसूबे को सही अमल में लाने के लिए जुड़ जाती है। तो आप बिल्कुल उस गलत फहमी में नहीं रहिए कि राजस्थान में कहीं कुछ ऐसा होना है। हुआ तो मध्य प्रदेश में भी नहीं है, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का करने का सोचेगी तो कांग्रेस पार्टी डट के उसका मुकाबला करेगी। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब बहुमत साबित करने की बात आएगी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पूर्ण रूपेण बहुमत से जो है तो सरकार बना रही है अभी भी। 100% कांग्रेस की सरकार पुनः स्थापित होगी, 5 साल चलेगी, और जिन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं उसको और डट के और मजबूती से करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो दूषित मंसूबे हैं, जो माफियों के साथ खड़ी हुई है, वो एक्सपोज होगी, और इस प्रदेश की जनता उसको देखेगी भी, और जब भी कभी इस प्रदेश में चुनाव होंगे इस मुद्दे पर उस पर रिएक्ट भी करेगी। आपने सारे मुद्दों को लेकर के खुल करके बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे सम्मुख रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द खबरदार न्यूज़ बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सौरभ जी, जिन्होंने प्रदेश के हर मुद्दे को लेकर के और विशेष तौर पर वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य को देखते हुए बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कई सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।